और 78वें स्वतंत्रता दिवस पर चंदन क्यारी प्रखंड में सूबे के नेता प्रतिपक्ष सा चंदन क्यारी विधायक अमर कुमार बावरी ने अपने आवासीय कार्यालय रविंद्र भवन एवं कस्तूरबा बालिका विद्यालय चंदन क्यारी में झंडा फहराया, जहां पर कार्यकर्ता एवं ग्रामीण एवं स्कूल के छात्र छात्राएं मौजूद थे। वही प्रखंड सांचल में प्रखंड प्रमुख निवारण सिंह चौधरी ने झंडा फहराया, जहाँ BDO CEO तथा प्रखंड सांचल के कर्मी मौजूद थे। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष चंदन क्यारी समेत झारखंड एवं देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि बड़ी लंबे संघर्ष और लाखों के बलिदान के बाद आज 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है और 2047 में विकसित भारत बने इसके लिए देश आगे बढ़ रहा है। स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। बड़े ही संघर्ष और बड़े कुर्बानियों के बाद, बलिदानों के बाद यह देश हमें इस रूप में मिला है। आज देश का 78वां वर्षगांठ है स्वतंत्रता दिवस का। 2047 में हम विकसित भारत के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यह देश महान बने और इस देश को महान बनाने में भारत के हर एक नागरिक का महान कर्तव्य हो, वो कर्तव्य निष्ठा के साथ इस संविधान की ताकत को प्राप्त करके अपने जीवन के परम लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए इस चंदन क्यारी झारखंड और देश को उन्नति के मार्ग में प्रशस्त करते हुए लेके जाए, ऐसी ही शुभकामना सभी को दे। आज हमारे प्रखंड परिसर प्रखंड कार्यालय में झंडोत्तोलन का कार्यक्रम स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हम लोग कार्यक्रम को रखें और झंडोत्तोलन का कार्यक्रम किए। इसमें हमारे प्रखंड सह अंचल के प्रखंड के BDO, अंचल के CEO साहब और प्रखंड के सभी कर्मी और अंचल के सभी कर्मी उपस्थित हुए। थाना के बड़े बाबू, हमारे विधायक प्रतिनिधि, मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूं और स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर पूरे चंदन क्यारी प्रखंड को, पूरे बोकारो जिला और पूरे झारखंड को हार्दिक बधाई देता हूं और धन्यवाद करता हूं। स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। बड़े ही संघर्ष और बड़े कुर्बानियों के बाद, बलिदानों के बाद यह देश हमें इस रूप में मिला है। आज देश का 78वां वर्षगांठ है स्वतंत्रता दिवस का। 2047 में हम विकसित भारत के लिए आगे बढ़ रहे हैं।